नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। समस्तीपुर में एक अंतरजातीय प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां दोनों जोड़े मंदिर में जाकर शादी कर ली है, जिसके बाद लड़की के पिता ने थाने में जाकर अपहरण का मामला दर्ज कराया है। देखिए, समस्तीपुर में एक अंतरजातीय प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लड़के का नाम अजय कुमार और लड़की का नाम काजल बताया जा रहा है, जिसमें एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का प्यार परवान चढ़ गया और दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी के बंधन में बंध गए। वहीं लड़की के पिता ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। शादी के कुछ ही दिन बाद लड़की स्वयं थाने में उपस्थित हुई। पुलिस लड़की को मेडिकल जाँच करवाया और कोर्ट में ले गया। लड़की कोर्ट में जाकर अपहरण के मामले को गलत बताते हुए लड़की ने स्वीकार किया कि मैं अजय से एक साल से प्यार करती थी, मैं अपनी मर्जी से अजय को बुलाकर मंदिर गई और शादी की, अपहरण की बात झूठ है। वहीं लड़की के पिता ने कोर्ट में ये कहकर लड़की को अपने साथ लेकर चला गया कि वे दो दिन के बाद लड़की को अपने घर से विदा कर देंगे। लड़की के पिता लड़की को अपने घर ले गए, लेकिन आज तक लड़की को ससुराल विदा नहीं किए। वहीं लड़की को उसके पिता कहीं अन्य जगह छुपा कर रख दिया है, जिससे लड़की के पति अजय पूरी तरह परेशान है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक लड़की का कोई पता नहीं चला। वहीं कोर्ट का सर्च वारंट निर्गत हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। एक मामला जो समस्तीपुर जिले का है, जहां पे लड़का और लड़की के बीच प्यार हुआ लगभग एक साल, और प्यार होने के बाद प्यार पूरी तरह से परवान चढ़ गया। लड़का लड़की दोनों शादी कर लिए, और शादी जब किए उस समय में लॉकडाउन था। लॉकडाउन के समय में ये जाकर के मंदिर में शादी किए, और शादी कर लेने के बाद पुनः लड़का लड़की अपने घर आया, और घर आने के बाद लगभग लड़का और लड़की एक साथ 15 दिन रही, और 15 दिन रहने के बाद उससे पहले लड़की के पिता ने थाने में एफ आई आर कर दिया था कि लड़की का अपहरण हो गया है। लेकिन लड़की थाने में जाकर खुद वहां पर पहुंची, पहुंचने के बाद उसको कोर्ट ले जाया गया, और कोर्ट में लड़की ने खुद बयान दिया। क्या बयान दिया है और कब शादी हुआ, आइए पूरे घटना के बारे में हम उस लड़का से जानते हैं जो लड़का ने लड़की से शादी किया है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार सर। अजय कुमार जी। जी अजय कुमार जी, आप जो शादी किए उस लड़की का क्या नाम है? उसका नाम काजल उर्फ रोशनी है। काजल उर्फ रोशनी जी। अच्छा अच्छा, उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम अरविंद कुमार सिंह। पिताजी क्या करते हैं उनके? वो पेशे से वकील हैं, जो दर्शिंगसराय कोर्ट में रहते हैं। अच्छा, लड़की के पिता पेशे से वकील हैं जी, और दर्शिंगसराय कोर्ट में रहते हैं। तो आपने शादी उस लड़की से जो किए, आप उस लड़की को कितना दिन से जान रहे थे? मैं उस लड़की को एक साल से जान रहा था। अच्छा जी, और एक साल से हमारा जो फिर प्रेम प्रसंग चल रहा था। अच्छा, और उसके बाद मुझे जो है सो मतलब 22 तारीख को जो है सो उसने फ़ोन करके बुलाया करीब 11 बजे दिन में, और उसने कहा कि चलिए आज मैं आपके साथ शादी करके रहूँगी। अच्छा, चलना पड़ेगा आज। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो उसने मेरे बाइक पर बैठ के और मेरे साथ समस्तीपुर आई, जहाँ मैंने उसको एक डेरा में रखा अपने क्वार्टर में। अच्छा, और उसके बाद उससे शाम में जो है सो शादी मैंने की। अच्छा, एक मंदिर में जाके। लॉकडाउन था इसलिए जो है सो लॉकडाउन में जो है सो मंदिर जो मंदिर खुला हुआ था, तो वहीं पर एक पुजारी थे, उन्होंने मेरी शादी कराई। तो आप जो उस लड़की से शादी किए, मतलब आप डेट जो बताए हैं 22 तारीख, कौन सा 22 तारीख को, कौन सा महीना था? पाँचवा महीना था। पाँचवा महीना जी। अच्छा अच्छा, तो वो लॉकडाउन के समय था उस समय? जी, लॉकडाउन के समय था। फिर जब लॉकडाउन था तो आप मंदिर में कैसे गए? लॉकडाउन में तो मंदिर बंद था। लॉकडाउन में मंदिर बंद था, लेकिन वहाँ के पुजारी सब थे, उन्होंने ही मेरी शादी करवा दी। अच्छा अच्छा जी। तो जब शादी हुआ आपको, शादी होने के बाद कितना दिन के बाद लड़की जो है थाने में गई थी? वहाँ से वो जो है सो 5 तारीख को थाने में गई थी। अच्छा, 6 महीना था। अच्छा, 5:20 को थाने में गई थी। हाँ, और थाने में उसका मेडिकल हुआ। हाँ, मतलब थाना में जाने के बाद जो है वहाँ से मेडिकल के लिए जाया गया जी, मेडिकल के लिए ले जाया गया। अच्छा अच्छा, तो वो जो है आप जब लड़की को लेकर के मंदिर गए, मंदिर से शादी करने के बाद कितना दिन आप लड़की के साथ में रहे थे? 15 दिन साथ में रहे। 15 दिन साथ में रहे जी। जी, तो आप लड़की के साथ 15 दिन रहे, तो उससे पहले
उसके बीच में लड़की का पापा क्या क्या कर रहे थे और पैसे से भी वकील है जी, आपके ऊपर एफ आई आर भी किए थे क्या जी? वो मतलब 4 दिन के बाद वो एफ आई आर कर दिए थे। कहाँ से किए थे? यही जी उजियारपुर थाना। थाना से जी? उजियारपुर थाने पर से किए थे। अच्छा, तो लड़की जब न्यायालय में गई तो वहाँ लड़की जाने के बाद एक्सेप्ट की जी, वो लड़की एक्सेप्ट की कि हमने शादी किया है अजय जी? वो एक्सेप्ट की कि जो है सो मैंने अपनी मर्जी से अजय से शादी की है और मुझे कोई भगा के नहीं ले गया, अपहरण करके नहीं ले गया है। अच्छा, और अपनी मर्जी से ही इनके साथ रहना चाहती हूँ, ये न्यायालय में बोला गया था। अच्छा, और इसका जो है सो मेरे पास जो है सो न्यायालय में जो बोला गया था उसका 164 का जो है बयान भी है जो न्यायालय में बोला गया था। ये आपका जो है पेपर है जी, 164 का बयान। थोड़ा सा कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा नज़दीक ला करके इस पेपर को थोड़ा सा क्लियर किया जाए। और आप देख रहे हैं कि जो लड़की ने बयान दी है कोर्ट में जा करके, कोर्ट परिसर में न्यायालय में जाकर के इसने अपने आप को कबूल किया है कि मैंने अजय से प्रेम विवाह किया है, मैं खुद अजय को बुला करके गाड़ी पे बैठ करके मंदिर गया और शादी किया। आप देख रहे हैं उसका ये पूरा पेपर है, उसका प्रमाण है, ये कोर्ट का प्रमाण है पूरी तरह से, आप देख रहे हैं और ये पेपर है। तो अजय जी ये हो गया, तो अभी लड़की कहाँ है? लड़की को जो है उस दिन दर्शन सह न्यायालय में उसके पापा जो है सो कोर्ट से 2 दिन का मतलब टाइम लेके और कोर्ट को बोले कि हम 2 दिन के लिए घर ले जाना चाहते हैं अपनी बेटी को, 2 दिन के बाद पुनः मैं उपस्थित कर दूंगा न्यायालय में, उसके बाद अजय के साथ वो जा सकते हैं। अच्छा, अभी जो है सो 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक जो है सो लड़की को कोर्ट तक लाया, कोर्ट न्यायालय दर्शन सह न्यायालय में लाया नहीं गया है अभी तक, नहीं लाया गया जी? नहीं अभी तक। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि जो है लड़की को न्यायालय में नहीं लाया गया है? वो जो है सो मतलब उनके पापा चाहते हैं कि मैं अजय के साथ जो है सो अगर शादी की है लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है उनके। अच्छा, और जबरदस्ती उसको जो है सो घर पर भी नहीं रखे हुए हैं, कहीं और लेके चले गए हैं। और घर पर हम लोग जब वहाँ जो है सब मतलब कोई वहाँ गया तो वहाँ से फोन आया कि यहाँ कोई नहीं है, पुलिस प्रशासन भी गई थी। अच्छा, वहाँ भी वो सभी पता लगाया तो वहाँ कोई नहीं थे। आप ये देख रहे हैं कि लड़की का पापा जो पेशे से वकील है, जो दलसिंह सराय में ये वो है पेशे से वकील है, और वो ये लड़का को धमकी भी दिए हैं कि जो लड़की है उसको भी मार के फेंक देंगे लेकिन इसके साथ जाने नहीं देंगे। और क्या, और कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं क्या? हो सकता है उनके पापा जब हो सकता है हम पर एफ आई आर फिर से करे। अच्छा, ठीक है, कुछ भी लगा के करे। तो प्रशासन से निवेदन है कि मैं तो जो है सो लाचार हूँ और जो है सो प्रशासन से कह रहा हूँ कि ऐसा कोई एफआईआर करे तो उसको जो है सो सच्चा नहीं माना जाए। अच्छा, प्रशासन से ये अपील करते हैं। तो लड़का पूरी तरह से परेशान है अजय, और आपने देखा कि किस तरीके से इनका जो दर्द है वो आप लोगों के सामने झलक रहा है। पूरी तरह से परेशान है, लड़की का पिता पीछे से वकील है और लड़की को पता नहीं चलने दिया जा रहा है कि लड़की है कहाँ। तो मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि जहाँ तक हो अजय का मदद करें, अजय पूरी तरह से अपने सही रास्ते पे है। जब प्रेम प्रसंग का मामला था, शादी हो ही गया, तो लड़की अब अजय का पत्नी हो चुकी है और सारा कागजात आपको दिखा दिया, कोर्ट में भी ये मामला चला गया था, कोर्ट के सामने भी लड़की अपना बयान दे दी कि हमने अजय के साथ शादी किया, अजय और लड़की का सारा डॉक्यूमेंट्स था, जो लड़की पूरी तरह से बालिग है और अजय पूरी तरह से परेशान है। कैमरामैन दिलीप के साथ मुकेश कुमार, SBN न्यूज़, समस्तीपुर।